मिशन शक्ति अभियान के तहत जिले के नोडल अधिकारी मनीषा त्रिघाटिया की अध्यक्षता में रविवार को विकासखंड ब्रह्मपुर के ग्राम पंचायत विश्वनाथपुर में खुली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चौरी चौरा की विधायक संगीता यादव, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, जिला प्रमोशन अधिकारी सर्वजीत सिंह, जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। महिला कल्याण विभाग के तत्वावधान में आयोजित खुली बैठक में शासन द्वारा महिलाओं के लिए जारी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई तथा कहा गया कि महिलाएं किसी से कमजोर नहीं है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुषों के हाथों में है। पुरुष महिलाओं को समान अधिकार दें जिससे उन्हें समाज में अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सके। खुली बैठक में गांव के विकास संबंधित कार्यों पर चर्चा भी की गई तथा बताया गया कि मुख्यमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, राशन वितरण को लेकर अन्य व्यवस्थाओं को और भी सुदृढ़ किया जाएगा जिससे क्षेत्र का समुचित विकास किया जा सके। हमारे जो ब्लॉक के और जिले के अधिकारी आए हैं, आपसे वार्ता कर रहे हैं और हम आगे भी आते रहेंगे। तो मुझे इसमें यही कहना है कि महिलाओं के सम्मान में पुरुषों का बहुत बड़ा रोल है। पुरुषों को इसमें सबसे पहल करनी चाहिए और जो घरेलू हिंसा से लेके और जो दूसरी तरह की कोई भी घरेलू समस्याएं हैं उसमें जो महिलाओं का उत्पीड़न होता है उसको रोकने में पुरुषों को ही पहल करनी पड़ेगी। और महिलाओं के लिए ये है कि अपने जो बच्चे हैं उनकी जो देखभाल है उनको इतना मजबूत बनाएं, बच्चियों को भी, कि वो समाज में इन विसंगतियों से लड़ सके। और आने वाले समय में हम आपकी जो दूसरी समस्याएं हैं शौचालय और आवास, उसमें भी कार्य कर रहे हैं। और अभी आने वाले दिनों में हम लोग आप में 72 आवास जो हैं सैंक्शन कर देंगे और बाकियों का जैसे जैसे आता रहेगा, लिस्ट में नाम है उनको मिलता रहेगा। और सरकारी स्कीमों में महिलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दे सके ये भी हमने निर्णय लिया है। राशन की कोई भी समस्या है तो एक कैंप लगा के राशन पेंशन हम यहाँ पे दोबारा आएंगे और कैंप लगा के आपकी सारी सरकारी